एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीनोसेंटेसिस के बारे में। व्हाट इज़ अ अमीनोसेंटेसिस, क्या है अमीनोसेंटेसिस? तो नाम में ही पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। अमीनोसेंटेसिस जो है एक प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट है। प्रीनेटल यानी कि क्या? बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ होने से पहले ही हम बच्चे की जाँच कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, जिसे कि हम प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट कहते हैं। तो क्या किया जाता है, जब प्रेग्नेंट रहती है वुमेन तो उसके फिटस के सराउंडिंग जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, अमीनिटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस अमीनिटिक फ्लूइड में ही फिटल सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो इस अमीनिटिक फ्लूइड को जो है कैरी कर लिया जाता है एक हाइपोडर्मिक नीडल द्वारा। इस हाइपोडर्मिक नीडल द्वारा कैरी करने के बाद इस फ्लूइड को जो है लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। और इस फ्लूइड से ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। सेक्स भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यह मेल है या फीमेल है, या फिर इसे कोई क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, यह भी हम इस प्रोसेस द्वारा पता लगा सकते हैं, इस मेथड द्वारा पता लगा सकते हैं। तो अमीनिटिक फ्लूइड कैरी करके इस टेस्ट को किया जाता है, इसीलिए इसे अमीनोसेंटेसिस कहा जाता है। द फीटस इज सराउंडेड बाय द अमीनिटिक फ्लूइड दैट कंटेन द फीटल सेल्स एंड अदर सब्सटेंस द सच अल्फा फीटो प्रोटीन्स। यहाँ पर जो है फिटल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे कि हम अम्यूनिटिक फ्लूइड ही कहते हैं। इट्स आल्सो प्रोटेक्ट द फिटस फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी एंड हेल्प द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द फिटस। यह जो अम्यूनिटिक फ्लूइड है यह फिटस का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, और उसी के साथ साथ यह जो है फिटस को मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। द सेल्स एंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अम्यूनिटिक फ्लूइड प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेबी शीत। अब यहाँ पर जो है अम्यूनिटिक फ्लूइड जो है बच्चे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे कि अम्यूनोसेंटेसिस जो प्रोसेस है इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यह जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस अम्यूनिटिक फ्लूइड द्वारा हमें मिलती है बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में ही हमें यह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब यह कैसे किया जाता है ये तो हम आगे प्रोसेस में देखेंगे, कैसे क्रोमोसोम का एनालिसिस करते हैं जब हम प्रोसेस ऑफ अमीनोसेंटेसिस देखने वाले हैं। तो प्रोसीजर ऑफ अमीनोसेंटेसिस जो है कुछ स्टेप्स में यहाँ पर बताई गई है। तो पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप्स में जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको एक बेड पर लिटाया जाता है अम्यूनिटिक फ्लूइड कैरी करने के लिए, और उससे पहले उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट चेक किया जाता है। उसके बाद में एक अल्ट्रासाउंड मेथड द्वारा फीटस का भी हार्ट रेट चेक किया जाता है, फीटस की पोजीशन चेक की जाती है, प्लासेंटा की भी पोजीशन चेक कर ली जाती है, फीटस का अम्बिलिकल कॉर्ड का है, इस सब के बारे में जानकारी ले ली जाती है। बाद में जो है अम्यूनिटिक कैविटी का है चेक कर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो है अम्यूनिटिक कैविटी है, तो इस अम्यूनिटिक कैविटी को जो है चेक कर लिया जाता है कहाँ पर है तो, और वहाँ पर जो है फिर हाइपोडर्मिक नीडल, जिसे कि हम यह जो नीडल है हाइपोडर्मिक नीडल है, इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। और इंसर्ट करने के बाद यह कहाँ इंसर्ट की जाती है, जहाँ पर जो है अम्यूनिटिक कैविटी प्रेजेंट है, जिसे कि हम यूटेरस में भी कह सकते हैं, वहाँ पर ही मैक्सिमम टाइम जो है यह कैविटी प्रेजेंट रहती है। तो यह हाइपोडर्मिक नीडल वहाँ पर इंसर्ट करके अम्यूनिटिक फ्लूइड को कैरी कर लिया जाता है, और इसे कैरी करने के बाद में इसे टेस्टिंग के लिए लेबॉरेटरी में भेजा जाता है। और लेबॉरेटरी में भेजने के बाद क्या होता है, वो लेबॉरेटरी वाला इसके क्रोमोसोम का एनालिसिस करता है, ये जो अम्यूनिटिक फ्लूइड है इसे चेक करते हैं, जिसे कि हम फिटल सेल कहते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम का एनालिसिस है वो करते हैं, और क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं कि सभी क्रोमोसोम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सभी क्रोमोसोम अगर नॉर्मल रहते हैं तो बच्चा नॉर्मल रहेगा, अगर इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो हमें कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं बच्चे में। तो ये है प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट, जिसे कि हम अम्यूनिटिक फ्लूइड कैरी करके क्रोमोसोम एनालिसिस करते हैं, और क्रोमोसोम एनालिसिस करने के बाद हमें पता लग जाता है कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब नेक्स्टली बात करते हैं इसमें रिस्क क्या क्या है। जब भी हम यह हाइपोडर्मिक नीडल इंसर्ट करते हैं तो यह हमें प्रॉपरली नीडल इंसर्ट करनी पड़ती है विदाउट कोई इंजरी होती हुई है, यानी कि फिटस को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए जब हम यह नीडल्स इंसर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है अगर कोई इंजरी हो जाती है तो इसकी वजह से फिटस का जो ब्लड है वो काफ़ी लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मिसकैरेज के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यह जो है एक रिस्क रहती है अमीनोसेंटेसिस की प्रोसेस में।
तो नीडल जो है हमें प्रॉपरली इंसर्ट करनी पड़ती है। नीडल की अगर कुछ इंजरी भी आ जाती है उसमें, तो यह बच्चा जो है इसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो नेक्स्टली हम बात करने वाले बैन ऑन अमिनोसेंटेसिस। तो अमिनोसेंटेसिस जो प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट है, इसे इंडिया में 1994 में ही बैन कर दिया था। अब इसे बैन क्यों कर दिया था, क्योंकि हमारे देश में जो है पहले क्या, अभी भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें सिर्फ सन ही चाहिए, बेबी गर्ल रहती है माँ के गर्भ में तो उसका एबॉर्शन कर देते हैं, यानी कि उनको सन ही चाहिए होता है, बेबी गर्ल को वो अफोर्ड ही नहीं करते, वो जन्म ही नहीं होने देते, गर्भ में ही उसे मार देते हैं। तो इसी की वजह से जो है इंडिया में अमिनोसेंटेसिस को बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से हमें सेक्स का पता लग जाता था कि यह फीमेल है या मेल है। तो हालांकि यह जो है काफ़ी यूज़फुल है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई फिटस में प्रॉब्लम है यह पता लगाने के लिए, लेकिन इसका गलत उपयोग होने वाला था हमारे देश में, इसीलिए हमारे देश में इसे बैन कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिनोसेंटेसिस क्या है, इसके प्रोसेस के बारे में कैसा होता है, यानी कि अमनिटिक फ्लूइड कैसे कैरी किया जाता है, यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।